कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में भले ही अर्जेंटीना और फ्रांस सामने सामने थे, लेकिन इस मैच पर निगाहें पूरी दुनिया की थी। फुटबॉल प्रेमी भले ही मैच देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन हर एक शख्स मेसी के लिए मैच देखना चाहता था। यही वजह थी कि जिस वक्त मैच चल रहा था उस वक्त मेसी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। कुछ लोगों ने पहले ही दावा ठोक दिया था कि मैच अर्जेंटीना ही जीतने वाली है। जिस वक्त अर्जेंटीना 2-0 से आगे हुई, ये दावा सच होता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन उसके बाद मैच बराबरी का हो गया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई और आखिरकार मेसी वाली अर्जेंटीना जीत गई। अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस को 4-2 से हराया और विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। अब एक तरफ जीती हुई टीम के चर्चे हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हारी हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखते ही हर किसी का दिल पिघल गया। वो कहते हैं ना, खेल में हार जीत लगी रहती है, बस इसे ही सार्थक करते हुए नजर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। दरअसल हारने के बाद फ्रांस टीम के खिलाड़ी बहुत मायूस थे। फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल दागने वाले एम्बाप्पे मैच हारकर इतने दुखी हुए कि मैदान में ही बैठ गए। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद मैदान में आए और एम्बाप्पे को गले लगाया और सांत्वना दी। मैच के बाद इमैनुअल ने कहा कि किलियन एम्बाप्पे एक महान खिलाड़ी हैं, वो अभी सिर्फ 24 साल के हैं और विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं। एम्बाप्पे को सबसे ज्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट से भी नवाजा गया। खैर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से एम्बाप्पे को गले लगाया, उनको समझाया, उनके चेहरे पर प्यार से हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी, उसे देखकर सभी का दिल पिघल गया। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा किया, दूसरी तरफ देखते ही देखते प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल होने लगी। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैक्रों ने दोस्त मोदी से ही सीखा है कि अपने लोगों का हौसला कभी टूटने मत दो। दरअसल पीएम मोदी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब इसरो एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा था कि तभी उसका कॉन्टैक्ट विक्रम लैंडर से टूट गया था। इसके बाद के सिवन काफी दुखी हुए थे क्योंकि उन्हें इस मिशन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन हार जीत, सफलता असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है और चलता रहता है। पीएम मोदी ने यही के सिवन को समझाते हुए उन्हें गले से लगा लिया था। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की उस वक्त भी खूब तारीफ हुई थी। अब जब मैक्रों ने ऐसा किया तो भारतीय कहने लगे कि हमारे पीएम तो बहुत पहले ही ऐसा कर चुके हैं। बहरहाल आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी फीफा वर्ल्ड कप देखा और इसके बाद दो ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, दिस विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फुटबॉल मैचेस। कांग्रेट्स टू अर्जेंटीना ऑन बिकमिंग फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस। दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली थ्रू द टूर्नामेंट। मिलियंस ऑफ इंडियंस, फैंस ऑफ अर्जेंटीना एंड मेसी रिजॉइस इन द मैग्निफिसेंट विक्ट्री। अगले ट्वीट में पीएम ने लिखा, Congratulations to France for a spirited performance at the FIFA World Cup. They also delighted football fans with their skills and sportsmanship on the way to the finals. इसी के साथ पीएम ने इमैनुअल मैक्रों को टैग भी किया। बहरहाल आपका अब इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है और ये मैच आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।